नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को इंतजार था कि संसद के क्वेश्चन यानी कि राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, तो इसको पूरा समझाते हुए चलेंगे और क्लास कंटिन्यू करिए। जो लोग नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइव क्लासेस होगी, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, संसद से पूछे जाने वन लाइनर क्वेश्चन देंगे, राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में संभावित होते हैं। सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक और एडीओ तीनों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए जुड़ जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। जो मैं अभी टेस्ट चल रहा है ना, टेस्ट जो चल रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ यानी कि कॉस्टिंग ऑफ स्टेट राज्यसभा ऑफ इंडिया, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आज इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश रहेगा और हिंदी के लिए हिंदी, तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब पहला प्रश्न आपके सामने है और अब कमेंट कीजिएगा कि भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, कमेंट कीजिएगा ना। अब जब तक आप आंसर ही आंसर नहीं बताओगे तो आपको आंसर का सॉरी जब आप आंसर कमेंट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए तो इसका भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, मैं कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। देखिए भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो भारत के राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है, 245 सदस्य हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए अगर यहाँ पर देखिए मान लो जाए यहाँ पर 245 दिया है, ठीक है, अगर कन्फ्यूज करने के लिए आपको 250 दिया जाता है, 250 दिया है, ठीक है, तो आप किसको लगाओगे ये कमेंट कीजिएगा। देखिए भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, अब मैं आपको चलिए ऑप्शन ए बी और सी तीनों हैं तो ये तीनों ही नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दो दिया है, 245 भी दिया है, उसके बाद 250 दिया है, तो आप किसको लगाओगे। भारत के राज्यसभा में पूछा गया CGPSC और व्यापम में इस तरह का अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या कमेंट करोगे, 245, ठीक है, 250 नहीं आएगा, ये मैं आपको आगे में बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर देखिए पहला है कि 4 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा में 4 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, क्या ऑप्शन सही है, आप कमेंट कीजिएगा, आप आंसर बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है, आप अंडरलाइन करते जाइएगा और बताइएगा कि इसमें कौन सा कथन है ए बी सी, यानी कि इन तीनों में कौन सा कथन सही होगा। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ संभावित प्रश्न, तो इसको याद करते हुए चलिएगा और जो लोग नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं वीडियो में बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस होता है, लाइव क्लासेस चलेगी और जुड़े रहें बिल्कुल। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपके लिए यह प्रश्न होगा कि देखिए इसमें कथन सत्य कौन सा है आप बताना है। तो देखिए लोकसभा बोला गया है, लोकसभा में 4 यानी कि 4 सदस्यों में राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं, यानी कि देखिए मेंबर यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, एक मिनट ना, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इसका आंसर बी होगा। देखिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। कमेंट कीजिएगा, डाउट होता है तो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। कल क्लासेस रहेगी, कल की क्लासेस रहेगी, ठीक है, एडीओ की, एडीओ 2017 का मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, साथ ही यहाँ पर आपको कमेंट भी किया जाएगा जो आप कमेंट किएगा, ठीक है। कई लोग देखिए बोलते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए सर, पीडीएफ प्रोवाइड करके, तो ये पीडीएफ से याद नहीं होता ना, वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देख इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न में क्या बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर
भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो भारत के राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जबकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के कुल कितनी सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी। अब संख्या पूछा गया, सदस्य नहीं पूछा है ना, यहाँ पर सदस्य नहीं पूछा है, संख्या पूछी गई है। ठीक है, संख्या पूछी गई है तो अब कितना डालोगे, 250 डालोगे। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, यानी व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आप बताओगे 250 है। अगर सदस्य संख्या पूछा जाता तो आप कितने बताते, 245। राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है 245 है, जबकि कुल संख्या पूछा गया है तो आप 250 लगाओगे, ये बाकी का जो आंसर है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए अब मैं अधिकतम संख्या बोला है तो यहाँ पर 250 भी है, 245 भी है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार बोला गया है ना, तो इसका आंसर आपका होगा 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आपको बनेगा। तो देखिए हाउ मनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आप बताएंगे कि 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य को, 12 सदस्य को। ठीक है, ये बाकी गलत होगा, 14 ना ही ना 16 ना 10 मेंबर को नहीं किया जाता, यहाँ पर 12 मेंबर्स को लिया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, यह क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज़ द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा फॉर्म स्टेट एंड यूनियन, यानी कि देखिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ द टोटल मेंबर, व्हाट इज़ द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा फॉर्म स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की संख्या कितनी है, कुल संख्या सदस्यों की कितनी है पूछा गया है। ठीक है, तो आप बता नोट कर लीजिएगा ना कॉपी में, इसको 233 है, यानी कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर, यानी कि टोटल इसका कितना नंबर है, मैक्सिमम पूछा गया है ना। तो आपके ऑप्शन में 218 नहीं है, 228 भी नहीं होगा और 248 भी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर 233 है, लेकिन अधिकतम पूछा गया है ना, मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम पूछा गया है, तो आप इसका क्या लगाओगे, मैक्सिमम 238 होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 233 दिया रहता तो आप 233 को लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कितना दिया है, 238 दिया है। अगर अधिकतम पूछा गया है तो आप उसको लगा सकते हो, 238 को, व्यापम कुछ भी दे सकते हैं ना, व्यापम पीएससी कुछ भी आंसर ले सकता है, कुछ भी आंसर नहीं लेगा, मतलब देखिए 238 मैक्सिमम पूछा है तो 238 ही आएगा ना, 200 कम नहीं होगा, 230 भी नहीं होगा, 233 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, क्वेश्चन आ सकता है ना। देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कौन करता है, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होगा, राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कौन करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, पीपल यानी कि जनता। सेकंड, थर्ड का ऑप्शन कहता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा ऑप्शन कहता है कि लोकसभा, तो लोकसभा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कई लोग ऑप्शन बोल देते हैं ना लोकसभा होगा, कि क्या पूछा गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन कौन करता है, या पूछा गया, तो इसका आंसर आप क्या लोगे, चलिए कमेंट कीजिएगा ना इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द
लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आप देखिए, आप कन्फ्यूजन करेगा यहाँ पर, पहला और तीसरा ये दोनों कन्फ्यूजन कर रहा है। जनता वाला तो बिल्कुल गलत होगा, इसको डिलीट ही कर दो, है ना। देखिए, ये पहला वाला और तीसरा वाला आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन करेगा। तो देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है, कौन करता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा ना। जब तक आप लोग आंसर नहीं बताओगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, बताइए आगे कैसे बढ़ूँगा मैं, कमेंट कीजिए ना। चलिए देखिए, यहाँ पर कमेंट करें आप यहाँ पर कि इसकी जो योग्यता क्या है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा। तो ऑप्शन देखिए, अब राज्यसभा पूछा गया है मेंबर, यानी कि यहाँ पर बोला गया कि एमएलए, इसका मतलब होता है एमएलए, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलए होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, एमएलए यानी कि यहाँ पर राज्य का मैटर, राज्य का जो मैटर है यहाँ पर, है ना, जो राज्य का मैटर है, जो विधान परिषद ना, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचन किया जाता है, विधानसभा के द्वारा किया जाता है ना, ना कि ये विधान परिषद हमारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, विधान परिषद के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन विधानसभा के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो निर्वाचित सदस्य होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेली क्लासेस जरूर करिए, ठीक है, थैंक यू।